नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्रिसमस डे हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इन दिनों बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है और ईसाई लोग इस त्यौहार को जश्न के रूप में मनाते हैं, बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसका कारण ये है कि इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था और ईसा मसीह को वो लोग ईश्वर का बेटा मानते थे। तो इससे संबंधित हमारे पास कुछ कहानियां हैं, उसको आप लोगों के साथ मैं साझा करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहली जो कहानी है वो है जीसस क्राइस्ट यानी यीशु के जन्म की कहानी। मैरी नाम की एक लेडी नाजरेथ नाम के एक शहर में रहती थी और उसने यूसुफ से शादी कर ली। अब एक रात क्या हुआ, ईश्वर ने मैरी के पास गैब्रियल नाम की एक परी को भेजा। परी क्यों भेजी थी? परी संदेश देने के लिए भेजी थी मैरी को। क्या संदेश दिया? ईश्वर आपसे बहुत खुश है और आप जल्द ही गर्भवती हो जाएंगी और एक बच्चे को जन्म दोगी। उसका नाम आपको यीशु रखना है और वह ईश्वर का पुत्र होगा। मैरी ये सब बातें सुन के डर गई, लेकिन ईश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास था उसे, और उसे यह भी भरोसा था कि सब ठीक होगा। अगर परमेश्वर ने ऐसा संदेश भेजा है तो ज़रूर सब ठीक ही रहेगा। परी ने मैरी को अपने चचेरे भाई एलिजाबेथ और अपने पति के साथ रहने को कहा, क्योंकि वे जल्द ही एक ऐसे बच्चे के माँ बाप बनने वाले थे जो संसार में यीशु के नाम से प्रसिद्ध होने वाला था और वह दुनिया को परमात्मा का रास्ता दिखाने के लिए तैयार होने वाला था। मैरी अपने चचेरे भाई के साथ 3 महीने रहती है और नाजरेथ लौट आती है। इसी बीच यूसुफ मैरी के बच्चे होने के बारे में बड़ा चिंतित था, लेकिन उसे एक देवदूत सपने में दिखाई दिया और उसने बताया कि मैरी एक ईश्वर के पुत्र को जन्म देगी। और जो वो देवदूत था उसने यूसुफ को ये कहा कि तुम डरो नहीं, मैरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। और देवदूत के कहने के बाद यूसुफ ने मैरी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता और वो बच्चा वास्तव में ही लोगों के लिए उद्धारक होगा। जैसे ही यूसुफ सपने से जागा, उसने मैरी से शादी कर ली। कुछ समय बाद यूसुफ और मैरियम को बैथलम जाना पड़ा, नाजरेथ छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन वो नाजरेथ से बहुत ही दूर था, बट बहुत ही लंबा रास्ता था। मैरी को बच्चा होने में ज़्यादा वक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने बहुत धीमी गति से यात्रा की। जब वे बैथलम पहुँचे तो उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, क्योंकि सभी सराय और आवास अन्य लोगों के द्वारा कब्जा किए हुए थे, तो उनको उस वक्त रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली। यूसुफ और मैरी गायों बकरियों और घोड़ों के रहने के स्थान पर शरण ली, यानी कह सकते हो आप एक अस्तबल में रहना पड़ा उन्हें। उसी रात यीशु का जन्म हुआ। यीशु को जन्म होने के बाद एक ऐसी जगह रखा गया जहां जानवरों का बसेरा था, जैसा कि मैंने अभी बताया कि गायें बकरियां घोड़े वहां रह रहे थे, और पहले से पहने हुए कपड़ों में उसे लपेटा गया, यानी साफ सुथरे कपड़े नहीं थे। और उसके बाद देखिए क्या होता है, चरवाहे जब अपनी भेड़ बकरियों को संभालने वहां आए तो उन्होंने एक परी को देखा। वो परी एक देवदूत थी जो लोगों को ये बताने आई थी कि तुम लोगों का उद्धार करता आज इस धरती पर पैदा हो गया है। चरवाहे को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने यूसुफ मैरी और उसके बच्चे को देखा तो वो हैरान रह गया। उस बच्चे के चेहरे पर इतना तेज था, इतना खुश, वो सच में परमात्मा का ही रूप दिखाई दे रहा था। और उस वक्त एक हैरान कर देने वाली बात क्या हुई, यीशु के जन्म के समय आसमान में एक उज्जवल नया सितारा दिखाई दिया, और इस सितारे को देखकर एक दूर दराज देश में 3 बुद्धिमान पुरुष थे। वे जानते थे कि यह एक महान राजा के आगमन का संकेत है और वे उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। राजा हरोदास ने सुना कि बुद्धिमान लोग एक नए राजा की तलाश में थे,
जिसने अभी अभी जन्म लिया है वो एक नवजात शिशु है। और हरदास ने जब ये बात सुनी तो उसने योजना बनाई, मैं इस बच्चे को अभी मार दूंगा। लेकिन वह जानता ही नहीं था ये कौन बच्चा है, कहाँ पे उसने जन्म लिया है। लेकिन साथ साथ जो तीन बुद्धिमान पुरुष थे वो उज्जवल सितारे का पीछा करते करते आ रहे थे। जब वो तीनों बुद्धिमान लोग उस जगह पर पहुंचे जहां यीशु और उसका परिवार रह रहा था, उन्होंने वहां पहुंचते ही उन्हें उपहार दिए और ईश्वर का पुत्र समझकर ही उसकी पूजा की। वे यह भी जानते थे कि उस राज्य का जो राजा हरोदास था वो बहुत बुरा इंसान था, इसलिए उन्होंने इस स्थान के बारे में नहीं बताया जहां पर यीशु था। यूसुफ को सपने में एक परी ने चेतावनी दी कि राजा हरोदास यीशु को मारने के लिए खोज रहा है, इसलिए अगर वे मिस्र चले जाएं तो वे महफूज रहेंगे, वो सुरक्षित रहेंगे। जब राजा हरोदास यीशु को खोजने में नाकाम रहा तो उसने बैतलम के सभी छोटे बच्चों को मारने के आदेश दे दिए। यीशु और मैरी को जब राजा हरोदास की मृत्यु के बारे में पता चला तब उन्होंने मिस्र छोड़ दिया और वे वापस नजरेत आ गए। बाकी का जीवन उन्होंने नजरेत में ही बिताया। यह यीशु के जन्म की कहानी है। आगे हम सुनाएंगे आपको क्रिसमस पेड़ की कहानी। क्रिसमस पेड़ की कहानी इस प्रकार है कि एक घने जंगल में एक छोटा सा पेड़ था और वो हमेशा एक सुंदर क्रिसमस पेड़ बनने का सपना देखता। वह मनुष्य के बीच रहना चाहता था क्योंकि लोग क्रिसमस ट्री को बहुत खूबसूरती से सजाते हैं। पुराने पेड़ों ने उसे बताया कि मनुष्य के साथ रहने का विचार अच्छा नहीं है, मनुष्य इतने अच्छे नहीं होते, वो पेड़ों को काटते भी हैं। लेकिन वह पेड़ नहीं माना। क्रिसमस से ठीक पहले एक परिवार उत्सव के मौसम के लिए एक पेड़ ढूंढ रहे थे जिसे वो सजाना चाहते थे। बच्चों को वह छोटा पेड़ बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उसे ले लिया और अपने रहने वाले कमरे में रखा और उसे रोशनी से, खिलौनों से खूब अच्छी तरह से सजाया। परिवार ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके दोस्तों ने उस पेड़ के साथ बहुत प्यार किया और वह उस महीने का एक आकर्षण केंद्र बना रहा। जब भी कोई आता तो वो उस पेड़ की खूबसूरती को ज़रूर देखता था। उसके कुछ दिन बाद उसकी पत्तियां गिरने लगी। अब कोई भी उसे देखना पसंद नहीं करता था। एक दिन उस परिवार वालों ने उसे उठाकर तहखाने में डाल दिया। देवदार पेड़ बहुत दुखी हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे मिट्टी में लगाया गया। अब उसने अपनी शाखाओं को फिर से पा लिया, उसने फिर से अपनी खूबसूरती को पा लिया, फिर से उसकी पत्तियां हरी होने लगी, फिर से वो सुंदर दिखने लगा। उस क्रिसमस परिवार ने उसे फिर से अपने कमरे में रखा और उस कमरे को और उस पेड़ को बड़ी खूबसूरती से सजाया। सुंदर सी रोशनी ने एक बार फिर से उस पूरे पेड़ के शरीर को चमका दिया था और उस पेड़ पर जो खिलौने लगे थे उन्हें देखकर सभी बच्चे बहुत खुश होते थे। तब उस क्रिसमस ट्री ने महसूस किया कि पुराने पेड़ गलत थे, मनुष्य भी बहुत अच्छे होते हैं। उन्होंने उसकी सारी ज़िंदगी देखभाल की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, देवदार पेड़ किसी के आशीर्वाद, उपहार और जीवन में धीरज रखने के महत्व को समझाता है। अब हम तीसरी कहानी पर आते हैं। तीसरी कहानी है पापा पानोस की। पापा पानोस एक कोबलर थे जो कि जूते बनाते थे। वे रूस के एक छोटे से गांव में अकेले रहते थे। उसकी पत्नी मर गई थी, उसके बेटे बेटियां बड़े हो गए थे, सब अपने अपने काम में बिजी हो गए थे, इसलिए वो अकेला ही रहता था। अपनी दुकान पर ही ज़्यादा समय देना, वहीं पर ज़्यादा रहना, वही उसे अच्छा लगता था। उसकी दुकान में उसने बाइबल को रखा हुआ था। तब उसने यीशु के जन्म की कहानी पढ़ने का फैसला लिया और उस कहानी को पढ़ते पढ़ते वह सो गया और सोते सोते उसे सपना आया। सपने में उसे ईश्वर दिखाई दिए। ईश्वर ने उसे बताया कि मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ और अगले ही दिन तुम मुझे देख सकते हो। हालांकि यीशु उसे अपनी पहचान प्रकट नहीं करेंगे। अगले दिन क्रिसमस डे था। पापा पानो जल्दी उठ गए क्योंकि वे ईश्वर से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। उन्होंने कड़ी ठंड के बावजूद सड़क पर सफाई करने वाले स्वीपर को देखा। उन्होंने उसे बुलाया और उसे कुकीज के एक प्लेट फुल के साथ गर्म कॉफी की पेशकश की। उसके बाद उन्होंने एक माँ को छोटे बच्चे के साथ उदास मनोदशा में देखा जो जीवन से निराश रह रही थी।
उन्होंने उसे बुलाया और उसके साथ दोपहर का भोजन साझा किया और उन्होंने बच्चे के लिए छोटे जूतों की जोड़ी बना के दी। दिन बीत गया था लेकिन यीशु की कोई खबर नहीं थी। वह मिलने के लिए बहुत उत्साहित था। भिखारी आए, चले गए, पापा पनाह उन्हें बिना किसी विचार के कुछ भी जो भी उनसे मदद बन पाई वो उन्होंने की। उनको खाना खिलाया, उनको कॉफ़ी पिलाई, जो उनसे भी मदद हो सकी वह उन्होंने की। रात होने लगी थी, वे अपने घर लौट आया। बहुत निराश था क्योंकि यीशु उससे मिलने नहीं आया था। जैसे ही वह यह कहने लगा कि यह केवल एक सपना था, उसने यीशु की आवाज़ सुनी। यीशु ने कहा, मैं आपसे मिलने आया था। असल में यीशु ने उन सभी व्यक्तियों के रूप में उससे मुलाकात की जिनकी पापा पनाह उसने मदद की थी। दोस्तों, जरा ये सोचिए कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है। हमें ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए, उनकी मदद करना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इस सेवा के माध्यम से हम ईश्वर से मिल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक।